हिंदुस्तान की सबसे जानी मानी इस्लामिक शिक्षा के लिए जाने जाने वाले दारुल उलूम की वेबसाइट में ऐसा विवादित एक लेख छपा है, या यूं कहें एक ऐसा पर्चा सामने आया है जिसके बाद बवाल मच गया है। दरअसल इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम के वेबसाइट में गजवाए हिंद यानी भारत में युद्ध को लेकर के एक फतवे पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने आपत्ति जताई है। आयोग ने इसे देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर के DM SSP को प्राथमिक दर्ज करके कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल ये पूरा एक फतवा उनकी वेबसाइट में कई सालों से लिखा हुआ है। हालांकि संस्था ने दावा किया है कि यह फतवा 9 साल पुराना है और एक किताब के हवाले से इसे लिखा गया है। चूंकि अब तक इस पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री पर ध्यान नहीं गया था, न किसी ने इस पर कोई गौर किया था, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। दारुल उलूम ने एक फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित करते हुए वैध करार दिया है। NCPCR के पत्र के बाद हड़कंप मच गया और गुरुवार को अधिकारी दारुल उलूम पहुंचे, जहां फतवे के संबंध में जानकारी ली गई। इस दौरान एक बात सामने आई कि किसी व्यक्ति ने दारुल उलूम से गजवाए हिंद के संबंध में सवाल पूछा था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है। दारुल उलूम ने इसके जवाब में प्रसिद्ध पुस्तक सुन्न अल नसाई का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें गजवाए हिंद को लेकर पूरा एक अध्याय है, जिसमें हजरत अबू हुरैरा पैगंबर मोहम्मद साहब के एक करीबी साथी थे। उन्होंने एक हदीस का उल्लेख किया है। इसमें अबू हुरैरा ने गजवाए हिंद पर कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो इस युद्ध में हिस्सा लूंगा। दारुल उलूम के वेबसाइट पर मौजूद फतवे में किताब को प्रिंट करने वाली कंपनी का नाम तक दिया गया है। आयोग ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि फतवे में दारुल उलूम ने मजवाए हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमामंडित किया है, यानी भारत में युद्ध को एक तरह से सही ठहराया है। आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि दारुल उलूम मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षा दे रहा है, इससे इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। आयोग ने इसे किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन बताया। आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने सहारनपुर के DM और SSP को भी पत्र लिखा है। इससे पहले भी NCPCR दारुल उलूम के एक फतवे और एक फरमान को लेकर नाराजगी जता चुका है। पहला मामला जनवरी साल 2022 में आया था, जिसमें संस्था ने एक फतवे में गोद लिए बच्चे का अधिकार संपत्ति पर न होना और उसके वयस्क होने के बाद उससे पर्दा करने का उल्लेख करना था। आयोग से नोटिस मिलने के बाद फतवे को वेबसाइट से हटा लिया गया था। और दूसरा मामला आया था जून 2023 को। आयोग ने नोटिस जारी किया था जिसमें छात्रों के अंग्रेजी और अन्य आधुनिक विषयों की कोचिंग लेने पर रोक लगाने के मामले में संज्ञान लिया गया था और आयोग ने जिला प्रशासन के उदासीन रवैये को भी निर्देश दिया था। अब आपको बताएं कि क्या होता है गजवाए हिंद। तो आपको बता दें कि गजवाए हिंद हजरत मोहम्मद साहब की एक भविष्यवाणी थी। इसका अर्थ ये निकाला जाता है कि इस्लाम के अनुयायी यानी उनके जानने वाले मुस्लिमों की भारत में अपने विरोधियों से जंग होगी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जंग कई सालों पहले हो चुकी है, अब इसका इस्तेमाल चरमपंथी भारत के खिलाफ मुसलमानों को सिर्फ उकसाने के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब दारुल उलूम की सफाई भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद साहब की एक भविष्यवाणी है गजवाए हिंद। ये सवाल 2015 में संस्था की वेबसाइट से एक व्यक्ति ने पूछा था, जिसके जवाब में एक पुस्तक के हवाले से उसे दे दिया गया था। अधिकारी दारुल उलूम आए थे, उन्हें नोटिस दे दिया गया है और अब कोई नोटिस दारुल उलूम को अब तक नहीं मिला है। हालांकि अगर कुछ विवादित है तो उसे हटाने की भी बात कही जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।